नमस्कार बच्चों, आरसी एजुकेशन आपके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक यानी कि उपसर्ग टॉपिक चल रहा है। हमारे हिंदी उपसर्ग हो गए, संस्कृत उपसर्ग हो गए, और आज हमारे विदेशी उपसर्ग भी। विदेशी उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? विदेशी उपसर्ग हिंदी में विदेशी भाषाओं के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, विशेषकर उर्दू और अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग है वो ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। तो हमारे जो उर्दू के उपसर्ग है वो कौन कौन से हैं? कम, दर, ना, बा, बे, बद, ला, सर, हर, हम, ये सारे जो भी उपसर्ग हैं वो कौन सी भाषा के हैं? विदेशी भाषा के, यानी कि उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं। कम से देखो, कमजोर, कम अक्ल, जैसे कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है, कम कीमत, दूसरा है दर, दर दर होता है दरअसल, दर दर, दर दर, दर हकीकत, ये सारे क्या हैं? सॉरी, उर्दू भाषा के क्या हैं? उपसर्ग है कम, दर, ना, ना से ना समझ, नादान, नालायक, फिर उसके बाद में बा, बाकायदा, बाइज्जत, बेसे, बेहिसाब, बेमिसाल, बेकायदा, बेमेल, ठीक है, ये सारे क्या हैं? बद, बद से बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बद का होता है बुरा, अर्थ होता है बुरा, ला से लाचार, लापता, लाजवाब, ठीक, सर, सर से सरपंच, सरहद, सरताज, सरदार, ये सारे किससे बनते हैं? सर से, हर से, हर दम, हर रोज, हर वक्त, हर का होता है हमेशा, यानी कि हर दम, हम से, हम दम, हम उम्र, हम शक्ल, ये जो सारे उपसर्ग हैं ये कौन से हैं? उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं आपको। और वैसे विदेशी उपसर्ग में दो मुख्यतः भाषाओं के उपसर्ग होते हैं, उर्दू भाषा के और अंग्रेजी भाषा के। तो हमने पढ़ लिए हैं उर्दू भाषा के उपसर्ग ये हैं, अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग,
अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? सब, हेड और सब हेड, एक्स, ये तीन हैं जो कौन सी के हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। जैसे सबसे, सब इंस्पेक्टर, सब मिनिस्टर, हेड से हेडमास्टर, हेड ऑफिस, मुख्य जो होता है उसको हेड बोलते हैं। एक्स, एक्स से जो यानी कि पहले था लेकिन अब नहीं है, एक्सप्रेस, एक्स प्रिंसिपल, विशेष रूप से यानी कि इसमें एक विशेष और यानी कि दो उपसर्ग से मिलकर भी शब्द बनता है। विशेष है कि भी जो दो उपसर्ग यानी कि किसी शब्द के दो उपसर्ग लगाते हैं उसके बाद में भी वो शब्द में परिवर्तन आता है। एक शब्द के साथ कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग या उपसर्गों का कभी एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होने से उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे आपको देखना है कि कौन कौन से शब्द है उनके दो उपसर्ग लगते हैं तो उनमें विशेषता आ जाती है। जैसे सम प्लस आ प्लस लोचना, क्या बन गई, समालोचना। दो उपसर्ग जुड़ गए, एक तो सम उपसर्ग जुड़ गया, एक आ उपसर्ग जुड़ गया और इसमें सब क्या है, लोचना, तो ये क्या बन गया, समालोचना। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है प्रति उपकार, प्रति प्लस उप प्लस कार, मेन शब्द क्या है इसमें, इसमें लोचना था मेन शब्द, इसमें मेन शब्द क्या है, कार है। इसमें दो उपसर्ग जुड़ गए प्रति और उप, अगर उपकार तो उपकार हो जाता, ठीक है, दूसरों पर हम उपकार करते हैं या भलाई के लिए जो करते हैं वो उपकार हो जाता है। प्रति उपकार यानी कि उपकार के बदले उपकार, तो ये क्या होता है, प्रति उपकार। सद, सद, सद प्लस आ प्लस चार, क्या हो गया, सदाचार। परी प्लस आ प्लस वर्ण, क्या बन गया, पर्यावरण। तो ये शब्द हैं, इन शब्द में समालोचना, प्रति उपकार, सदाचार, पर्यावरण, इसमें कितने कितने उपसर्ग हैं, इनमें दो दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं, इनमें कितने उपसर्ग हैं, दो दो उपसर्ग इनमें जुड़ रहे हैं, उसके बाद में ये क्या बन रहे हैं, ये शब्द
बन रहे आलोचना शब्द में सम प्लस आ जोड़ दिया समालोचना हो गया, कार शब्द में प्रति प्लस उप जोड़ दिया प्रत्युपकार हो गया, चार में सत प्लस आर जोड़ दिया सदाचार हो गया, परि प्लस आ प्लस वर्ण तो क्या हो गया पर्यावरण हो गया। आपके विदेशी उपसर्ग जो कंप्लीट हो गए, या आपको मैंने वैसे लिखवाया है कि कभी कभी अगर आ जाए कि इसमें कौन कौन से उपसर्ग जुड़े हुए हैं, अगर आपको दे दे कि समालोचना शब्द में ये समालोचना शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है कि भाई समास उपसर्ग है या सम उपसर्ग, इसमें सम प्लस आ इसमें दोनों क्या है उपसर्ग है। इसी प्रकार प्रत्युपकार, इसी प्रकार आपके जैसे प्रत्युपकार दे दिया इसमें कौन कौन से उपसर्ग है, तो आप बोलोगे प्रति उपकार, इसमें भी तो उपसर्ग जुड़ रहा है, मेन जो वर्ड है वो तो कार है जिसमें ना तो उपसर्ग जुड़ रहा है और ना ही प्रत्यय, यानी कि जो कार शब्द है वो क्या है मेन शब्द है मूल शब्द है, लेकिन जो इसमें दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं कौन कौन से प्रति उपसर्ग जुड़ रहा है और दूसरा कौन सा शब्द उपसर्ग जुड़ रहा है उप उपसर्ग जुड़ रहा है। इस तरह आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या कौन से शब्द के कितने उपसर्ग और कौन से उपसर्ग जुड़ रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है और आगे जो हमारे एक और बच रहे हैं कि अवयव उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अवयव, ठीक है, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।